हीरो हिलाल है, जल्दी जीतता रहे बनारस सफर अच्छा होगा। स्पायर नहीं कर रहे और ये दे रहे 20 रुपए, क्यों? क्योंकि ठंडा है। इस ट्रेन में आप बोर ना हो इसका भी ख्याल रखा गया है, क्योंकि इस ट्रेन में आपके साथ यात्रा करेंगे ये कॉकरोच, जिन्हें चाहकर भी आप नहीं भगा पाएंगे। ये आपका पूरा साथ शुरुआत से लेके आखिरी जर्नी तक मिलने वाले हैं। इस ट्रेन में ये सब देख के आप बहुत हैरान और परेशान ना हो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बात है। यहाँ पर देखिए सामने गेट बंद है और नीचे की तरफ देख रहे हैं कितनी गंदगी मची है। और अभी ये ट्रेन जस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई, ये देखें ये डस्टबिन का हाल है। ये है हटिया जंक्शन तक जाएगी झारखंड के, और अभी से देखें क्या हाल है ट्रेन का। तो तैयार हो जाइए इस ट्रेन में जर्नी करने के लिए, चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेवल जर्नी में। और आज की यात्रा हमारी होने वाली है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से प्रयागराज तक, और हमारी ट्रेन होगी झारखंड एक्सप्रेस, जो आनंद विहार से झारखंड के हटिया तक जाती है। और हमारी यात्रा के दौरान एक स्टॉप होगा, वो होगा कानपुर में। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं और बाकी ट्रेन की डिटेलिंग ट्रेन डिपार्चर के बाद। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के बाद ही अपना अपना स्थान निर्धारित करें। इस ट्रेन का आनंद विहार से छूटने का समय है 8:45 और प्रयागराज उतार देगी सुबह के अगले दिन 4:15। 5 मिनट के होल्ट के बाद यह ट्रेन दोबारा 4:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। आनंद विहार टर्मिनल, जिसका स्टेशन कोड है ANVT, और आज की यात्रा हम करेंगे स्लीपर क्लास में, और हमारा कोच है S6। इधर खड़ी है आनंद विहार मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस, और हमारी ट्रेन आएगी इधर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। देखिए यहाँ भी रेल नीर भरा हुआ है, इतना रेल नीर रखा हुआ, लेकिन फिर भी ट्रेनों में पानी का इतना घपला होता है। लोकल पानी देंगे और रेल नीर देंगे भी तो आपको 15 की नहीं 20 का देते हैं। अभी स्टेशन की घड़ी में 8:25 हुए और हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग गई है। तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत बटरफ्लाई बनी हुई है, देखिए पूरे आगे तक एकदम लास्ट तक। और ये हमारा कोच है, और आज का हमारा कोच है S4 का स्लीपर क्लास, ये वाला थोड़ा पुराना सा दिख रहा है बट अंदर से अच्छा है, इंटीरियर इसका ठीक ठाक है। S4 हटिया आनंद विहार ट्रेन नंबर 12874। देखिए इस देश में कितने लोगों को खाने को नहीं मिलता, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ही किसी ने रोटी फेंका हुआ जो पैरों के नीचे आ रही है। स्टेशन की घड़ी में हो गए हैं 8:44 और 1 मिनट के बाद हमारी गाड़ी के छूटने का समय हो जाएगा। 8:45 हो चुके और हमारी गाड़ी ऑन टाइम डिपार्चर हो चुकी है। इधर देखिए मिलाप अभी ख़त्म नहीं हुआ। स्टेशन घड़ी में 8:46 एग्जैक्ट टाइम। सामने जा रही सीमांचल एक्सप्रेस,
भगवान हीरो हिला लो जल्दी जीता रहे बनारस सफर अच्छा होगा बाबू भला देखे जाओ तो चलिए अब आपको इस ट्रेन की डिटेल बता देते हैं। गाड़ी संख्या 12818, ट्रेन नंबर 12818 झारखंड एक्सप्रेस, जो सप्ताह में मात्र 3 दिन चलती है, आनंद विहार से मंडे थर्सडे और सैटरडे को, आनंद विहार से 20:45 अर्थात रात के 8:45 पर चलती है और 2 दिन की जर्नी के बाद हटिया जंक्शन पर इसके पहुंचने का समय है शाम के 4:50 पर। यह ट्रेन 1305 किलोमीटर की दूरी को एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 20:05 में 18 होल्ट के साथ कवर करती है। तो चलिए अब इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो ये ट्रेन LHB रेक के साथ 2 सेकेंड AC, 3 इकोनॉमिक क्लास, 5 थर्ड AC, उसके बाद 1 पेंट्री कार, 7 स्लीपर और 2 जनरल कोच के साथ ये ट्रेन चलती है। तो चलिए अब यात्रा अपनी कंटिन्यू करते हैं। सामने खड़े है डेली टू कोटद्वार शताब्दी और अब हम आ गए हैं गाजियाबाद जंक्शन। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे कोई ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन ट्रेन बहुत रुक रुक के चलती है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस ट्रेन में आप कभी भी सीट बुक करो और 90% चांस रहते हैं कि आपकी सीट आपको कंफर्म मिल जाती है। और अभी भी आपने देखा कि अंदर का माहौल कैसा है, बिल्कुल शांत है, कोई भीड़ भाड़ नहीं। इवन अगर आप जनरल कोच में देखेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत शांत माहौल मिलेगा। और अभी समय हो गया है रात के 9:26। आप देख सकते हैं इस कोच में एकदम बिल्कुल नॉर्मल वाला माहौल है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हौज पोज नहीं है। जितनी सीटें उतने लोग, जितने लोग का रिजर्वेशन है उतने लोग ही बैठे हैं, क्योंकि इस ट्रेन में ज़्यादातर लोग सीटें बुक नहीं करवाते। आप देख सकते हैं ऊपर वाली खाली भी है। तो ऐसे कई सारे कोचेज़ हैं जिसमें ऐसा माहौल है, तो अगर आप भी इस ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं इसको चूज़ कर सकते हैं। अब इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि ये एक बार मैंने इसे सफ़र किया था तो ये ट्रेन मुझे दिल्ली पहुँचाई थी आनंद विहार टर्मिनल पर 1 घंटे से ज़्यादा डिले, तो एक भी तो इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है। स्पर्णी का रेट है गलत है यार, और ये दे रहे 20 रुपये क्यों, क्योंकि ये ठंडा है, ये बोले ठंडे का रेट है 20 रुपये। ऐसा का मत गलत बात है, जो रेट है वो रेट मैं खाता हूँ का लोग ठेकेदार बोलते हैं, ऐसा का मत गया।
10:55 और हमारी गाड़ी आ गई है। अभी ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? अलीगढ़। प्लेटफॉर्म नंबर 2। वैसे यहाँ पर इस ट्रेन का ऑफिशियल कोई हॉल्ट नहीं है, लेकिन इस ट्रेन का कुछ रूल्स है कि ट्रेन रुक रुक के जाती है, लगभग हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती है। तो अभी हमारी ट्रेन रुकी है अलीगढ़ जंक्शन पर, जबकि इसका कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। और एक यात्रा मैंने किया था इसी ट्रेन से प्रयागराज से आनंद विहार तक की, तो मेरी ट्रेन आई थी 1 घंटे से ज़्यादा लेट। तो इसका रिव्यू भी मैंने कुछ लोगों से पूछा है वैसे वर्बली, तो वो बोलते हैं कि ट्रेन हमेशा लेट होती है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इसमें ज़्यादातर सीटें खाली रहती हैं। तो इसमें अगर आपको जाना है तो जब जाना है टिकट बुक करें और अपने घर जाएँ, लेकिन ध्यान रखें ये ट्रेन थोड़ा लेट होती है, तो उस हिसाब से आप मैनेज करें। अभी हमारी ट्रेन रुकी है अलीगढ़ जंक्शन पर विदाउट एनी ऑफिशियल हॉल्ट। इधर जा रही सहरसा नई दिल्ली। मुझे भी यहाँ पे रुकने वाली है, मे भी इसका स्टॉप होगा। वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है और इसका नंबर है 12553 और 54। दो ट्रेनें चलती हैं अप एंड डाउन वाली। हाँ, ये ट्रेन यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर भी हो गया और हमारी ट्रेन अभी तक खड़ी हुई है। मुझे लगता है ये लतवाईसर ट्रेन है क्या यार, जिसकी वजह से इसमें कोई आना पसंद नहीं करता। मुझे अभी मैंने बात किया मेरे कोच में, लगभग 6-7 लोग बैठे, वो कहते हैं भाई अगर कहीं कुछ ना मिले तो ये ट्रेन से जाओ, अदरवाइज इसको आप मान के चलो अगर इसका 4:15 का प्रयागराज का टाइम है तो 5 बजे 5:30 बजे इवन 6-7 भी बजा देती है पहुँचाने में। इसमें देखो तो हम सफ़र का कोच लगा हुआ है। तो पूरे 15 मिनट इंतज़ार के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से डिपार्चर हो रही है अलीगढ़ जंक्शन से। और ये है अलीगढ़ जंक्शन, यहाँ पर CCTV वगैरह लगे हुए हैं ऐसे। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये कानपुर सेंट्रल। 2:34 हो चुके हैं और हमारी गाड़ी यहाँ से डिपार्चर हो गई है। रास्ते भर में गाड़ी ने बहुत खींचा, वैसे मुझे लगता था कि यहाँ तक पहुँचते 3 बज जाएगा, लेकिन खींचा बहुत इस ट्रेन ने। देखते हैं प्रयागराज कितने बजे तक पहुँचाती है। पहुँचने का समय आपको पता ही है, 4:15। देखो ये वाला जो आप देख रहे हैं फूड ट्रक, ये सिर्फ जनरल कोच में रखता है IRCTC की तरफ से, और इसमें खाना बहुत सस्ता मिलता है। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर बकरे भी बंधे हैं यहाँ पर। ये दादा ट्रेन के चक्के चेक करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे कई सारे स्टाफ हैं रेलवे का जो दिन रात जग के हम लोगों के लिए सेवा करते हैं। हमने जा रही जोधपुर टू वाराणसी सिटी।
ट्रेन हमारी आधे घंटे से ज़्यादा लेट अभी चल रही है और हम आ चुके हैं अभी सुबेदारगंज। बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं हम अपने गंतव्य स्थान प्रयागराज जंक्शन पर। और देखो दादा अभी इस समय भी यहाँ पर लाइट जला रहे हैं, ये ट्रेनों को सिग्नल देते हैं बेसिकली। तो आप सोचो कितनी मेहनत काम होता है। सुबह के 4:34 अभी हुए हैं और पूरा प्लेटफॉर्म एकदम खाली पड़ा है। इसका मेन प्लेटफॉर्म आगे की तरफ है, वहाँ पर वो है, पूरा खाली पड़ा है अभी इधर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, पानी की टंकी। और अब हम पहुंच रहे हैं प्रयाग जंक्शन, सामने दिख रहा है। यहाँ पर हमारी गाड़ी का हॉल्ट होगा मात्र 5 मिनट का। खड़े वीरंगना झांसी टू प्रयागराज, ये हमेशा मुझे इस ट्रेन पर मिल, ये हमेशा मुझे यहाँ मिल जाती है। सुबह के 4:45 हो चुके और हमारी गाड़ी आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो हमारी गाड़ी लगभग आधे घंटे के आसपास लेट है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई जर्नी में, किसी और नई ट्रेन के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए कितने लोग ज़मीन पर सोने के मजबूर हैं, देख रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड भी नहीं है कोई, पूरा खाली है ऊपर। यह है डिस्प्ले, यहाँ पर सारी ट्रेनों की डिटेलिंग होती है, कौन सी गाड़ी कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, सब कुछ यहाँ पर गाड़ी नंबर के साथ दिखता है। इधर लिफ्ट भी लगी है।